हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है वकीलमिशा ब्लॉग्स चैनल में और आज हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स प्रोग्रेसिव चांदखकेड़ा में और काफी ही ज्यादा एक मैं कार के, के कार ले कार लेके आ चुका हूँ जो काफ़ी बढ़िया है और टाइप आपको फील आने वाला है इसके अंदर और इसका लुक बोले तो काफ़ी बढ़िया है और मेरे कैमरे में थोड़ी थोड़ी दिख रही है बट आज हम बात करने वाले टाटा टियागो एनर्जी के बारे में जो काफ़ी बढ़िया और विथ इसके अंदर सी एन जी भी है और सी एन जी के अंदर एम ट्रांसमिशन भी आ चुका है तो और काफी बढ़िया लग रही है और आगे से बढ़ते देखो काफ़ी ही ज्यादा और आगे से इतना मशकुलर इसका लुक लग रहा है मेरे हिसाब से आप खरीद ही लोगे वीडियो देख के क्योंकि जाना पड़ेगा मेरे को लागे और सीन में काफ़ी ज्यादा अच्छा माइलेज मिल रहा है इसके अंदर तो आपको मैं फ्रंट से इसका लुक दिखाता हूँ कैसा लग रहा है तो देखिए इसका फ्रंट से लुक हेलो गाइस गए यहाँ पे देखे तो कुछ ऐसा नजर आने वाला है इसका लुक सामने से काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है और कातिल नगा है इसकी देख रहे हो बढ़िया लग रही है ना इसके एंड अंदर देखो तो काफी बढ़िया लग रहा है इसका लुक आगे से देखे तो फ्रंट से काफी बेटर है और इसका बम्पर देखे तो बम्पर में चेंजेस किए हुए इसलिए इसकी और विथ और काफी बढ़िया लगने लगती है इसके अंदर और सामने से देखो तो काफी ही बढ़िया लग रहा है इसका लुक हम चले जाते हैं इसके फ्रंट के अंदर तो फ्रंट बम्पर देखे तो काफ़ी बढ़िया लगने वाला है इसका और काफ़ी यहाँ पे देखे तो ग्रे वाला है और यहाँ पे मैट फिनिश के अंदर मिलने वाला है जो काफ़ी बढ़िया और यहाँ पे प्लास्टिक बाटे जो काफ़ी आपको अच्छा लगने वाला है यहाँ पे का फिनिशिंग आ गया और पियानो ब्लैक इसके अंदर नहीं मिलता मैट फिनिश इसके अंदर ग्रिल भी दिया गया हुआ टाटा का न्यू लोगो आ गया और यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग इसके हेडलाइट देखे तो प्रोजेक्टर हेडलाइट नज़र आने वाले इसके अंदर और यहाँ पे इंडिकेटर इंडिकेटर भी नज़र आने वाला हैवीम और लोबीम देखे तो यहाँ पे हाई बी में और यहाँ पे लो बीम में प्रोजेक्टर भी स्टार्ट होने वाले है इसके अंदर और मैं यहाँ पे देखे तो की यहाँ पे देख रहे हो तो की कुछ ऐसे नज़र आने वाले इसकी लॉक एंड लॉक यहाँ पे फोलम्बी हेड लाइम बूट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लोकन लोग तब को पता ही होगा तो फोल्बी हेड लाइम स्टार्ट कर दे तो कुछ ऐसा लगने वाला है इसका लुक आप देखो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंडिकेटर में आपको स्टार्ट करके दिखा दूँ तो यहाँ पे अभी लॉक कर देते तो लॉक में कुछ ऐसे इंडिकेटर चलने वाले है इसकी तो काफ़ी ही बढ़िया लग रहा है नीचे फॉकलम देखे तो फॉकलम पहले सेंटर में नजर टॉप एंड वेरिएंट है इसका तो काफ़ी इसके अंदर आपको मिलने वाला है क्या क्या फीचर्स आते हैं मैं आपको दिखाऊँगा तो यहाँ पे फॉर्लम हेडलैम ऑफ कर देते थे और इसके अंदर देखे तो वेट से देखा तो बॉर्नट की तो काफ़ी बढ़िया टी को जैसे ही आपको बॉर्नट इसका मिलने वाला है और इस साइड आ जाए तो काफ़ी इसका हेडलाइट में यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग पार्ट दिया होगा जो काफ़ी ही बढ़िया है और यहाँ पे साइड पैनल देखे जो हमें सफारी के अंदर नेक्सोन के अंदर पंच के अंदर आती है जो इसके अंदर भी मिलने वाली है और जो काफ़ी बढ़िया है और जो आप टिया को लेते हो शादी एनर्जी की वजह से तो यहाँ पे नहीं आता इसकी वजह से उसका चौड़ा लुक नज़र आने लगता है और यहाँ पे इसके टायर देखे तो अपोलो के टायर नज़र आने वाले जो काफ़ी बढ़िया और इसके अंदर आपको स्टील रिम नज़र आता है आपको अलोवेल्स नहीं दिया गया होगा आप इसके पास जाके देखोगे तो आपको अलोवेल्स नहीं मिलेगा दूर से आपको अलोवेल देखेगा बट पास आके देखो तो अलोवेल्स नहीं है प्लास्टिक पार्ट या टाटा का यहाँ पर लोक आ गया वन सेवेंटी फाइव बाय सिक्सटी आर फोर्टीन इंच के हमें अपोलो के टायर नजर आने वाले जो काफी ही बढ़िया है और यहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखे तो काफी बढ़िया है इसका ऊंची यहाँ पे दिख रही है इसके अंदर और साइड में जो लगा हुआ है बॉडी पार्ट जो प्लास्टिक में जो काफी ही बढ़िया लग रहा है इसके अंदर और यहाँ पे मिरर देखे तो फोल्डेबल मिरर नजर आने वाले और यहाँ पे इसकी इंडिकेटर भी नजर आने ब्लैक में आपको मिरर नजर आने वाला है यहाँ पे देखे तो ऊपर देखे तो वॉन्ट में यहाँ पे आपको प्लास्टिक का मिलता है तो इसमें भी नजर आने वाला है यहाँ पे इसके वाइपर आ गए विंडशील्ड में आपको वाइपर भी यहाँ पे देखे तो रेन रेंसेंसिक वाइपर आ गया और यहाँ पे सॉफ्ट एंड एंटीना नजर नहीं है तो सादा सा तो आपको एंटीना नजर आने वाला है इसके अंदर रूफ रेल आ गई और इसकी जो रूफ है पूरी ब्लैक मिलने वाली है जो पियानो ब्लैक के अंदर आती है मेट फिनिश नहीं है पूरी पियानो ब्लैक के अंदर आती है इसीलिए इसका रूफ काफ़ी बढ़िया लगता है और यहाँ पे रूफ्रेस देखिए हो तो रूफ्रेश भी आपको मैड फिनिश में है मैं मिलने वाले कोई भी सिल्वर पार्ट नहीं दिया गया वो इसकी अंदर साइड में से देखेंगे और यहाँ पे भी ग्राफिंग किया गया जो काफ़ी ज्यादा लग रहा है इसके शीशों की वजह से और पिछली वाली जो खिड़की देख रहे हो यहाँ पे शीशा देख रहे हो काफी बड़ा है और यहाँ पे देखिए तो मैट फिनिश किया गया जो काफी बढ़िया लग रहा है साइड में से तो काफ़ी अच्छा है और इसका यहाँ पे फ्यूल टैंक आ गया मैं आपको खोल के दिखा दूंगा इसके अंदर और काफी बढ़िया है अभी हम चले जाते हैं इसके रियर में तो रियर में जाके देखिए तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगने वाला है इसका लुक जो काफी बढ़िया लग रही है ना सी एन जी का अंदर टिया हुआ गई है एनआर जी आई सी एन जी यहाँ पे दिखाया गया है हमें और इसके अंदर देखे हम इसके टेल लाइट देखे टेल हम लाइट टेल लाइट हम ऑन कर देते हैं इसकी तो इसी के अंदर से ही करनी पड़ेगी फॉलो भी हेडलैंप ऑन कर देंगे तो यहाँ पे लाइट यहाँ पे छोटी सी यहाँ चुटकुसी चल चुकी है और यहाँ पे इंडिकेटर आ गई इसके अंदर यहाँ पे रिवर्स लैंप नहीं दिया गया यहाँ पे टिया हुआ है और यहाँ पे मैट फिनिश दिया हुआ जो काफी बढ़िया लग रहा है इसकी तो इंक्रेज करता है और यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है क्रोम फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे सी एन जी आ गया है सी एन जी यहाँ पे रिवर्सलिंग दिया गया है इसके अंदर और यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्टर के साथ जलने वाला है जो काफी बढ़िया लग रहा है ना इसके अंदर यहाँ पे रूफ देखिए और यहाँ पे डिफोगर कुछ ऐसे स्टाइल में लगने वाला है सभी लाइन है वाला इसके अंदर लाइन नहीं है यहाँ पे वॉशर वॉशर्स के साथ साथ आपको नजर आने वाला है इसके अंदर वॉशर भी है और यहाँ पे वाइपर भी नज़र आया हेलम है। स्टॉप लेप आ गया दोनों साइड जो किया गया वो जो काफ़ी बढ़िया और उसके रूफ देखे ऊपर से तो कुछ ऐसे मिलने वाले काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हमें रूफ़ नजर आने वाली है इसके अंदर जो अच्छी लग रही है और इसका रियर वाला ग्लास देखे तो काफी बढ़िया है इसके अंदर वॉशर भी दिया गया जो अच्छा है और ईयर में कुछ यहाँ पे कैमरा दिया गया हुआ विथ इथ यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी नज़र आता है यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दबाने से यहाँ पे बूट ओपन भी हो जाता है और यहाँ पे बूट ओपन हो गया है यहाँ पे देखो तो कुछ ऐसा लगने वाला है हाथ से यहाँ पे आप खोल भी सकते हो इसको और यहाँ पे देखेंगे हम श्रीग्र जी तक यहाँ पे लगा सकते हैं यहाँ पर फैसलट्री दे देंगे दे तो छोटा सा इसका हो जाएगा और यहाँ पे दो सिलेंडर नज़र आने वाले हैं हमें इसके अंदर थर्टी थर्टी लीटर के दोनों साइड आप देख सकते हो यहाँ पे दो सिलेंडर हमें मिलने वाले हैं और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है और यहाँ पे प्लास्टिक पॉलीथीन यहाँ पे दी गई हुई है और इसके अंदर देखिए तो यहाँ पे है और अच्छा इसके है इसके अंदर जो काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे तो अच्छा है और अभी इसके अंदर हम कर देते बंद इसको और यहाँ पे टूल किट इस यहाँ पे देखिए तो इसको आप खोल भी सकते हो इसके अंदर से यहाँ से ऐसे और यहाँ पे इसको लगा भी सकते हो ठीक है मूव एंड दिस कर सकते हो इसके अंदर तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बंद और यहाँ पे लाइट वाइट देखो तो काफी ही अच्छी अंदर से है और इसको बंद कर देते हैं और इसको और बंद कर दिया इसके अंदर और यहाँ पे रियल वाला वाइपर के अंदर आ जाए है यहाँ पे टू रिक्वेस्ट रिकवासर वाले हैं इसके अंदर और यहाँ पे देखे तो बॉडी लाइन काफी ज्यादा आगे वाला जैसा सेम ही आपको नजर आने वाला है यहाँ पे हमें मैट फिनिश नजर आने वाला है जो काफी ही बढ़िया है और इसके अंदर लाइटें बैठे देखेंगे हम तो लाइट भी नजर आ जाएगी इसके अंदर और यहाँ पे भी सेम ही है यहाँ पे हैंडल देखिए तो यहाँ पे पियानो ब्लैक और यहाँ पे पूरा मैट फिनिश नजर आने वाला है इस साइड में आपको साइड में से इसका लुक दिखा दू तो कुछ ऐसा नजर आने वाला है इसका साइड में से लुक और इसके अंदर एक सेंसर भी दिया गया हुआ चार नट के साथ आपको नजर आने वाला है इसके अंदर और काफ़ी ही बढ़िया है वन सेवेंटी बाई सिक्सटी फाइव आठ फोर्टीन इंच के हमें टायर नज़र आने वाला और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट रिक्वेस्टर दबाएंगे तो इसका खोल भी सकते हो वैसे खोल दिया ना हमने और यहाँ पे तो कैसे यहाँ पे डोर देखे तो डोर तो कुछ ऐसा नजर आने वाला है हमें इसके अंदर और यहाँ पूरा ब्लैक थीम के साथ दिया गया हुआ है और यहाँ पर बात करें तो चार पावर विंडो के साथ पूरा ब्लैक थीम में दिया गया हुआ है और यहाँ पे मैड फिनिश में इसका हैंडल आ गया और यहाँ पे देखिए तो लॉक लॉकऑन लॉक वाला फीचर्स यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव लीटर की यहाँ पर बोतल रख सकते हो इसके अंदर और यहाँ पे बोतल का यहाँ पे दिया गया हो और यहाँ पे अपना सामान रख सकते हो और यहाँ पे स्पीकर रील आ गई इसकी यहाँ पे आप अपने मिरर को एडजस्टेबल कर सकते हो हाथ से और यहाँ पे फोल्ड भी कर सकते हो और इसके इंटीरियर देखे तो पूरा ब्लैक थीम के साथ है विच यहाँ पे बॉडी कलर अंदर आपको नजर आने वाला जो काफ़ी ही बढ़िया और इधर सिल्वर सा थोड़ा सा टोन भी दिया गया जो इसके अंदर आपको अच्छा लगने वाला है यहाँ पे देखिए तो एस तो एसवेंट के अंदर सिल्वर और यहाँ पे कलर नज़र आने वाला जो काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे पी ब्लैक अंदर दिया होगा जो इसके अंदर काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे स्टेरिंग देखो तो स्टेयरिंग कुछ ऐसा नजर आने वाला है और, और यहाँ पे इसका हॉर्न मैं आपको सुना दू यहां पे सुन लो तो कुछ ऐसा हॉर्न नजर आने वाला है हमें इसके अंदर और यहाँ पे देखे तो सीट मिलने वाली आगे वाली रियर में नहीं मिलने वाला देखे तो हाइट एक्सेसिबल सीट्स है और हेड्रेस देखे तो एक्सेसिबल नजर आने वाले इसके अंदर और अंदर से देखे तो अंदर इंटीरियर देखे तो काफ़ी बढ़िया है ब्लैक थीम के साथ है तो अच्छा है इसका इंटीरियर नज़र आने वाला है तो मैं मैंने आपको की तो दिखाई दी होगी तो इसके अंदर हम चले जाते बैठते हैं और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक मिलने वाला खोलने के लिए तो मैं आपको साथ ही साथ इसको खोल के दिखा भी देता हूँ तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको इसको खोल लेंगे तो यहाँ पर खोल चुका है यहाँ पर पे पेट्रोल विथ सी एन जी में दिएगा तो यहाँ पर सी एन जी हैं और यहाँ पर पेट्रोल का भी आ गया है इसके अंदर थी यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं और अभी चले जाते हैं इसके इंटीरियर के अंदर तो इंटेरियर में क्या क्या फीचर्स दिए गए मैं आपको बता रहा हूँ पहले यहाँ पे बैठ जाते हैं इसके अंदर और यहाँ पे डोर भी ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज्यादा धूप है तो इसके अंदर आपको दिखाएगा यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं और कुछ यहाँ पे ऐसा लगने वाला इसका लुक जो काफ़ी बढ़िया और हारमन का म्यूजिक सिस्टम नज़र आने वाला है यहाँ पे इसका हज़ार आ गया है के अंदर यहाँ पे मैट फिनिश नजर आने वाला है जो सिल्वर वाला है मैट फिनिश है यहाँ पे पियानो ब्लैक और यहाँ पे देखो तो कुछ ऐसा लगने वाला है यहाँ पे ट्विटर भी ट्विटर आ गया इसके अंदर और ये पे स्पीकर रियल भी नजर आने वाले हैं मैं जो काफी बढ़िया और यहाँ पे इसके मीटर हम ऑन कर दे तो यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन विथ यहाँ पे क्रोम के अंदर और यहाँ पे लाइट भी नजर आने वाले है इसके तो पे पे अंदर, वाले है इसकी अंदर तो यहाँ पे मैंने इसको खोल दिया और यहाँ पे इसको ओढ़ दे दे और यहाँ पे इसके मीटर को ऑन कर दिया तो कुछ ऐसा लगने वाला है इसका मीटर तो मीटर यहाँ पे कुछ ऐसा लगने वाला है और यहाँ पे न्यूटन आ गया है यहाँ पे स्पीड ऑफ मीटर यहाँ पे आर मीटर और यहाँ पे देखे तो सी वाला और यहाँ पे पेट्रोल वाला दिखने वाला है और यहाँ पे देखे तो थ्री पे ट्रिप बी ट्रिप बी फोर्टी थ्री डिग्री यहाँ पे है अभी और कुछ ऐसा लगने वाला है इसके अंदर और इस साइड अगर देखे तो यहाँ पे तो यहाँ पर टाइम आपको स्टार्ट करने के लिए दिखाने वाला है सी का यहाँ भी है और यहाँ पे ब्रेक भी शूज करने के लिए तो आपको यहाँ पे देखे तो कुछ ऐसा लगने वाला है और काफ़ी और ड्राइविंग साइड यहाँ पे देखे तो ड्राइविंग वाला यहाँ पे दिखा रहा है हमें कि आप सीट बिल पहन तो इस साइड देखें तो हमें और लगने वाला है कुछ ऐसे हेडलाइट और हेडलाइट की वजह से यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑटो वाइपर भी आप सेट कर सकते हो तो क्योंकि क्योंकि लेंसेंसिंग वाइपर है और यहाँ पे वाइपर वाला सिस्टम आ गया यहाँ पे स्टेरिंग मैंने आपको बताया कि पियान ऑब्लाइक और विथ यहाँ पे हमें इसके अंदर बॉडी कलर के टोन है तो काफ़ी बढ़िया और यहाँ पे कोई भी लेदर यहाँ पे किया गया उन्हें इसलिए कुछ ऐसा स्टेयरिंग लगने वाला है इसका यहाँ पे देखिए तो ऐसी इवेंट देखे तो यहाँ पे सी एन जी यहाँ पे बूट ओपन कर सकते हो यहाँ पर लॉकऑन लॉक कर सकते हो यहाँ पे हीटर वीटर ऑन कर सकते हो इसके अंदर और यहाँ पे पवे पैर में यहाँ पे कितनी हवा चाहिए वैसा कुछ है और यहाँ पे आपको ए वाला और यहाँ पे हीटर वाला हो गया इसको भी ऑन कर सकते हो ऑफ कर सकते हो यहाँ पे पच फाइव वोट के यहाँ पर नज़र आने वाला है यहाँ पे देखें और यहाँ पे बारह वोल्ट का अच्छा का आ गया और यहाँ पे देखे तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन की वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विथ सी में कर दिए न्यूट्रन यहाँ पे रिवर्स है यहाँ पे, पे मैनुअल भी चला सकते हो इसके अंदर और यहाँ पे कुछ ऐसे मिलने वाले इसकी हैंड ब्रेक और यहाँ पे टू खड़ पॉल यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है और यहाँ पे आपको आमरेस भी नज़र नहीं आता है इसके अंदर यहाँ पे इसके ग्लोब बॉक्स देखेंगे हम तो ग्लो बुक धीरे से खुल रहा है और कुछ ऐसा ग्लो बुक्स नजर आने वाला है यहाँ पे भी सामान वामान आप रख सकते हो और यहाँ पे कुछ ऐसा है इसके अंदर और यहाँ पे व्हीकल वाला कुछ दिया गया हुआ है इसके अंदर देखिए तो व्हीकल वाली बुक है ओके इसको बंद कर देते हो और यहाँ पर देखिए तो सेवन एच का आपको हारमोन का म्यूजिक सिस्टम नज़र आ रहा जो काफ़ी ही बढ़िया है और इसके अंदर म्यूजिक भी आपको सुनने के लिए मिलेगा म्यूजिक देख रहे हो आप रहे हो क्योंकि अभी नहीं चला सकती क्योंकि ऑपरेट वेट आ जाएगा तो और अभी हम चले जाते हैं इसके रियर में और यहाँ पे डेनेट वाला आपको नजर आने वाला है यहाँ पे देखे तो एक शीशा भी दिया गया और यहाँ पे देखे तो टिकट तो होल्डर और यहाँ पे हमें मिलने वाला एक माइक भी और अभी अब और यहाँ पे एक लाइट नज़र आने वाली विद एल ई पे हैंडल आ गए इसके और यहाँ पे कुछ ऐसा लुक नजर आने वाला है इसको कर देते बंद और अभी चले जाते हम रियर में रियर में जाके आपको दिखाता हो इसका डोर और यहाँ पे इसको बंद कर देते हो और यहाँ पे डोर यहाँ पे खोल लेता हूँ तो डो कुछ ऐसा खुलने वाला है और साइड में से कुछ ऐसे लगने वाला है इसका लुक हमें जो काफ़ी ही बढ़िया और इसका कलर भी काफ़ी ही अच्छा है इसके अंदर यहाँ पे एक पावर विंडो यहाँ पे ट्विटर यहाँ पे स्पीकर आ गया यहाँ पे हैंडल यहाँ पर लॉकन लॉक और यहाँ पे आप बंद कर सकते हो और यहाँ पे बोतल भी रख सकते हो वन लीटर की यहाँ पे बोतल रख सकते हो आप इसके अंदर देखिए तो कुछ ऐसा इसकी सीट नज़र आने वाली जो काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे देखें कंफर्टेबल यहाँ पे सीट से बम्प यहाँ पे देखिए आप अभी हम इसके अंदर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा लगने वाला है इसका और यहाँ पे इंटीरियर में आपको दिखाओ दूर से तो कुछ ऐसा लगने वाला है इसका इंटीरियर जो काफ़ी बढ़िया ना हेड देखो और यहाँ पे एग्जेस्टेबल हेड्रेस नहीं नज़र आते और यहाँ पे पॉलीथीन भी है और इसके अंदर देखे तो कुछ ऐसा अंदर डिक्की लगने वाली है इसकी और यहाँ पर लाइट आ गई इसकी और यहाँ पर कम्फर्टेबल यहाँ पर मैं बैठा हुआ यहाँ पर नी रूम और लेग रूम देखे तो काफ़ी बढ़िया है और मेरे हाथ से भी मेरे हेड एग्जेस्टेबल यहाँ पर सिट कर दी है मैंने तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगने वाला और यहाँ पे अपना दोनों साइड पॉकेट यहाँ पे इस साइड भी पॉकेट दिया गया हुआ है और यहाँ पे बात करें तो इसके हेडरूम की तो हेडरूम कुछ ऐसा लगने वाला है इसके अंदर जो तो काफ़ी ही बढ़िया है और यहाँ पे धूप चल रही है तो मैंने पसीना ही पसीना है इसीलिए और यहाँ पे बात करें तो ये कुछ ऐसा लगने वाला है इसका लुक जो काफ़ी ही बढ़िया है और यहाँ पे बात करें तो ऐसा है सेट्स के अंदर और यहाँ पे कुछ ऐसा लगने वाला है इसका लुक अंदर से इंटीरियर काफ़ी बढ़िया ब्लैक थीम दिया गया हुआ है इसीलिए यहाँ पे इंटीरियर हमें अच्छा लगने वाला है इसके अंदर और यहाँ पे रूफ फ्रेस आ गई मैंने आपको रियल वाली की भी दिखा दी इसका बूट स्पेस मैंने आपको बता दिया तो कुछ ऐसा लगने वाला है इसका रियर में से लुक जो काफी बढ़िया फ्रंट से भी कुछ ऐसा ही लगने वाला जो काफी ही बढ़िया लग रही है ना इसके अंदर भी और साइड में और बागे से तो एनर्जी काफी बढ़िया और यहाँ पे चौड़ी फील आपको नजर आने वाला है इसके अंदर तो वैसे आपने ओवरऑल वीडियो तो देखा ही होगा टाटा टी गोर एनर्जी का तो कैसा लगा आपको वीडियो तो पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और आपके बाइक को ऐसे सपोर्ट करते रहे तो नए नए वीडियो और नई नई गाड़ियाँ लेके आऊँ आपके लिए और रिव्यू डू कैसा लग रही है अंदर से इंटीरियर कैसा लग रहा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस तो बाय